हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, भारत अपने राष्ट्र हित में किसी सुपर पावर की नहीं सुनता। ऑब्वियसली नहीं सुनता और सुननी भी नहीं चाहिए। कंट्री कम्स फर्स्ट भैया। हम इतनी दूर बैठे, हम बोलते हैं कि कंट्री कम्स फर्स्ट भैया, इंडिया को अपना देखना चाहिए। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी कंट्री नहीं सुनेगी जब अपनी कंट्री के ऊपर आता है। और जो हमने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुने होते हैं, उनका काम यही होता है कि आप कंट्री के बारे में सोचो। तो वही कर रहे हैं भैया इंडिया। तो भैया इनको आप देखते हैं कि इनको क्या लगता है कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती क्या? देखते हैं। मतलब मजे की बात ये है कि कौन जो है सुपर पावर सुनता है। मान लीजिए एग्जांपल है, क्या नॉर्थ कोरिया किसी की सुन रहा है? क्या ईरान किसी की सुन रहा है? मैं उन कंट्रीज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिन पे इतने सैंक्शंस हुए, इतने सैंक्शंस हैं, उसके बाद भी वो लोग डटे हुए हैं। चाहे जो भी हो, मतलब पॉइंट ये है कि उनको दोनों को यह है कि न्यूक्लियर वेपन तो बनाने। भैया इतने सैंक्शंस हो गए नॉर्थ कोरिया पे, इतने ईरान पे हो गए, मगर वो लोग अपने पाथ से नहीं हिले। होता है, और इंडिया तो कभी हिलेगा ही नहीं। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब देखिए कि सभी जो देश स्ट्रांग है वो अपना ही देखते हैं। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ा मजा लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारें फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जनाब साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे। और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 लेकर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की धाक जमा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हों, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर बड़े जोरों शोरों से बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए जो भारत के लिए ठीक था उसने वही किया। भारत को S-400 की जरूरत थी तो उसने किसी भी देश की चेतावनी की परवाह नहीं की। अगले महीने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। S-400 पे मेरे तहफ्फुज़ात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप, कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन से की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझे पूछे, तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयार है फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूँ कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये
आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का, उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें है, जो पॉइंट्स हैं बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मतलब आपने ये कहा कि चलें अगर आपको आपको नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा, मुझे पता ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने, तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हैं हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें, तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करें। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरी अपनी नाकस राय, मेरी, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ। मेरे काफी दोस्त जो हैं, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है नेशनलिज्म नहीं, हर बंदे की मेंटेलिटी। मैं ये नहीं कहूंगा कि खास सबको कहते थे ना, मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, हमेशा कितना पता चला आपका, एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालिया जैसी दोस्ती है उसके CPEC को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं, तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर? और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन DC में हो रही है वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का CPEC और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा यह है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले 1 महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, 3 साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। अच्छा जनाब साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है, और गुज़श्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमरीका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई की, वो काफी इफेक्टिव है, और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफी हद तक उन्होंने रोके हैं। आप अगर एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे, और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये रशिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है इस सारे मामले के अंदर। अब कंसेंसस हो गया हुआ है कि ये वेस्टर्न फोर्सेस हैं कि जो कि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स मजेदार था भैया, उन्होंने ये सीखा है कि हमारी कॉपी करनी है, वो लेडी जो है वो बता रही थी, समझा रही थी कि आपने अपनी स्टैंडिंग बनाई है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको किसी की जरूरत बननी पड़ेगी, तभी आप
कॉपी कर सकते हैं, ऐसी छोटा चीज है इसको कॉपी कर लेंगे, यू कांट कॉपी, आप कॉपी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है और किसी की जरूरत बनना है, उसके बाद होता है। तो वही तो काफी अच्छा डिबेट हो रहा था और मेरे ख्याल से फिजा खान जो थी उनको आंसर नहीं मिला था और उनको पता चल जाएगा कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, तो देखेंगे। मगर सभी लोग काफी इसमें सरप्राइज हो रहे हैं रियली कि मतलब यूएस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने जो भी किया है वो विद कंसल्टेशन विद यूएस किया, उनको समझाया देखो भी हमें बहुत जरूरत है, हमें काउंटर करना है चाइना को, तुम भी चाहते हो कि हम काउंटर करें चाइना को, राइट। मेन क्वाड क्यों बना है, क्वाड इसलिए बना है जो भी वो कहते हैं कोविड के लिए बना दिया, बट अल्टीमेटली सबको पता है क्वाड क्यों बना है, तो यही इंडिया ने बोला आप चाहते हैं कि हम स्ट्रांग रहें चाइना को काउंटर करें तो उसके लिए हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, सिंपल एज दैट। हमने पहले का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपके क्वाड बनने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, हम क्वाड ऐसे नहीं तोड़ सकते किसी से, कॉन्ट्रैक्ट है, जबान दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो माल आएगा, हम यूज करेंगे सिर्फ चाइना के। अब ऐसी कुछ बातें होंगी जो यूएस के साथ एग्री हुई होंगी जिसको पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, तो यूएस से बोला होगा फाइन तुम लेके आओ, तुम चाइना को काउंटर करने के लिए आ रहे हो, हम भी चाहते हैं कि स्ट्रांग इंडिया हो जिसे काउंटर कर सके, दैट्स इट। तो उनको पता है कि यूएस क्यों रोकेगा, वो तो चाहता है इंडिया स्ट्रांग हो क्योंकि वो चाइना का काउंटर ढूंढ रहा है, और अगर इंडिया फुली काउंटर कर सकता है चाइना को तो यूएस बोलेगा फाइन हमारा काम हो गया, हमें जरूरत नहीं है इंटरवीन करने की। तो अमेरिका से बहुत चीज, बहुत सारी बातें होती है हाई लेवल टॉक्स में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि यूएस ने नहीं किया, नहीं किया क्योंकि उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बहुत कुछ डिस्कस हुआ होगा, बहुत कुछ एग्री होगा, मोदी जी तभी तो यूएस जाते हैं, डिस्कस करते हैं सब बातें और क्लियर हो जाता है और उसके बाद सारे कार्य होते हैं। तो मेरे को जो भी, इंडिया ने तो बहुत ग्रेट काम किया है, मगर आगे बढ़ते रहना है और अपना खुद एक बनाना है सिस्टम जो दूसरी कंट्रीज भी आपसे मांगे, और इसलिए इंडिया जो है इसराइल के साथ अब कोलैबोरेट कर रहा है। उसमें वो ये है कि इंडिया को थोड़ी सी टिप्स चाहिए, एक बार थोड़ी सी टिप्स आ जाए उससे हम कितनी जल्दी शूट करते हैं सभी को पता है। तो काफी अच्छा वीडियो था, यस फ्रेंड्स, मजा आ रहा था। तो चलो कॉपी करेंगे, ये 10-20 साल लग जाएंगे, पहले कॉपी करना कैसे वो भी सीखना है, उसके लिए जैसे हो रहे 30 साल लगेंगे, नहीं पहले कॉपी कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, वो जब सीख लेंगे उसके बाद फिर कॉपी होएगा, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।